तो फास्ट सर्विसिंग का कॉस्ट कितना है? कितना फास्ट सर्विसिंग का कॉस्ट अराउंड? तो बाइक क्या तूने कैश में लिया या फिर ईएमआई पे? नहीं, ये बाइक मैंने ईएमआई पे लिया। इसका डाउन पेमेंट कितना है? मैंने डाउन पेमेंट किया था। तू क्या ये लोकल में चलाता है या फिर लॉन्ग की राइड किया है? तो बाइक का पावर कैसा है? बाइक का पावर के बारे में क्या बताऊँ पावर तो मस्त है। तो इसका माइलेज कितना देता है अभी फास्ट सर्विसिंग के बाद? माइलेज पहले कितना देता था फास्ट सर्विसिंग के पहले? NS200 क्यों खरीदा, इसमें जो पावर है वो दूसरे बाइक में नहीं है। क्योंकि इसमें तो फीचर्स नहीं है। फीचर्स नहीं है, थोड़ा बहुत जितना भी है वो चल जाएगा। डिजिटल मीटर नहीं है? नहीं। हेडलाइट एलईडी नहीं है, इंडिकेटर भी एलईडी। जितना भी है 2 लाख के नीचे एकदम परफेक्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हो विंस लाइफस्टाइल ब्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा ये जो NS200 BS7 है इसका ओनरशिप रिव्यू वीडियो आज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, ये है मेरा फ्रेंड, इसका ये है ये NS200 BS7 वाला। ये बाइक तूने कब खरीदा था? तो भाई मैं पहले बोल देता हूँ, ये बाइक मैंने खरीदा लगभग 2 महीने हो गया। तो पहले से ही सोच लिया था कि ये बाइक तुझको खरीदना है, मतलब एन एस तुझे खरीदना है, BS7 हो या फिर BS6? नहीं, मैं पहले सोचा था कि R15 V4 लेंगे। अच्छा। लेकिन मेरा बजट था 2 लाख का। अच्छा। तो 2 लाख के अंदर R15 V4 नहीं आता। हाँ हाँ। वो 2 लाख के ऊपर चला जाता था। बहुत महंगा है वो। इसलिए मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि NS200 लेंगे। तो पहले से NS200 अच्छा लगता था, लेकिन R15 V4 भी अच्छा लगता था, इसलिए लास्ट में NS200 ले लिया। इस बाइक से पहले तेरा कोई बाइक था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट बाइक। अभी तक का इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा? अभी तक का इसका जो एक्सपीरियंस वो तो अच्छा ही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा अभी तक। कुछ प्रॉब्लम नहीं? नहीं, नहीं। कितना स्पीड तक इसको भगाया तूने? ये मैंने 119-120 तक भगाया, उसके ऊपर नहीं गया क्योंकि मैं नया चला रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा धीरे ही चल, पहले सीख ले बाइक, उसके बाद ना हो जाएगा। तो फर्स्ट सर्विसिंग हो गया इसका? इसका फास्ट सर्विसिंग हो गया। फास्ट सर्विसिंग? तो फास्ट सर्विसिंग का कॉस्ट कितना है? कितना फास्ट सर्विसिंग का कॉस्ट अराउंड 650 का लगा। अच्छा, और क्या क्या चेंजेस हुआ है इसमें? चेंजेस हुआ इंजन ऑयल। हाँ। और कूलेंट। अच्छा, एंड फास्ट सर्विसिंग का वीडियो मेरे चैनल पे? कूलेंट चेंज नहीं हुआ, कूलेंट टॉप अप किया था। हाँ। तो फास्ट सर्विसिंग का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे भी है एंड उसके चैनल पे भी है, जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका चैनल का। तो बाइक क्या तूने कैश में लिया या फिर ईएमआई पे? नहीं, ये बाइक मैंने ईएमआई पे लिया। अच्छा। 3 साल का ईएमआई है। अच्छा, इसका डाउन पेमेंट कितना है? मैंने डाउन पेमेंट किया था 52,000। अच्छा, एंड मंथली ईएमआई? मंथली ईएमआई आ रहा है मेरा 4,900 का। पुराना एनएस से ये जो एनएस है ये कितना महंगा है पता है कुछ? मतलब BS6 का जो एनएस था, BS6 का जो एनएस था, हाँ, उससे कितना महंगा है? उससे लास्ट जब प्राइस सुना था तब 1,72,000 शायद से था। हाँ, मैंने 1,72,000 ही सुना था, ऐसा कुछ था। ये तो अभी तूने लिया कितना से? ये मैं जब लिया इसका एक शोरूम था 1,47,000। अच्छा, 47,000। ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा? ऑन रोड मेरे को पड़ा 1,82,000। 82,000। एंड अभी तो महंगा हो गया, आप लोगों ने देखा है मैंने अभी अभी इसका जो ऑन रूट है वो तो 3-4 हज़ार बढ़ गया। मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हो कि NS200 का एक वाइट वाला, ये तो ब्लैक वाला है, वाइट वाला एक डिलीवरी मैंने लिया था, तो उसका जो प्राइस है बढ़ गया है, तो वो वीडियो जाके देखना ज़रूर। कितने किलोमीटर चला लिया है ये बाइक को अभी? ये बाइक मैंने 2 महीने में अराउंड 600 किलोमीटर चला लिया। 600 चल गया? 657 किलोमीटर। हाँ, 657 किलोमीटर चल चुका है, आप लोग देख सकते हो। एंड जब सर्विस किया था तब कितना किलोमीटर था? तब मेरा था 500 या 450 ऐसा कुछ। 500 मैंने भी देखा था, ऐसे ही कुछ था। तू क्या ये लोकल में चलाता है या फिर लॉन्ग पे राइड किया है? नहीं, मैं अभी लोकल में चला रहा हूँ, तो इसको लेके मैं लॉन्ग में जाने का प्लान है। जरूर जाएंगे एक साथ ही जाएंगे। सिटी पे तो तूने बाइक चलाया है तो ये कम्फर्ट है? मतलब ये तो 6th गियर का बाइक है। हाँ। तो गियर में कुछ प्रॉब्लम देता है क्या? नहीं, गियर एकदम स्मूथ है, कोई अटकता भड़कता नहीं है। क्योंकि 6th गियर का बाइक है तो सिटी में उतना 6th गियर में तो भगा नहीं सकता है, तो यही एक दिक्कत है ना। तो इसी कारण के लिए पूछा कि कम्फर्ट? नहीं, एकदम कम्फर्ट। क्योंकि लॉन्ग में तो तूने नहीं चलाया, तो इसी कारण के लिए उसका क्वेश्चन पूछ के भी फायदा नहीं है कुछ। तो बाइक का पावर कैसा है? बाइक का पावर के बारे में क्या बताऊँ पावर तो मस्त है। पुल कैसा है बाइक का? मतलब पुल अच्छा है, जो पुल देता है 18.9 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। हाँ। इसमें तो उसी के हिसाब से
अच्छा पावर है। पेपर का नंबर देख के कुछ फायदा नहीं, तुझे कैसा मतलब तुझे कैसा फील? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, तू मेरा बाइक भी चलाया है, ये भी चलाया है, तुझको पता होगा कि कैसा पुल है इसका। पुल अच्छा है। तो इसका माइलेज कितना देता है अभी फास्ट सर्विसिंग के बाद? माइलेज पहले कितना देता था फास्ट सर्विसिंग के पहले? सर्विसिंग से पहले 30 ऐसा कुछ देता था? नहीं नहीं, 31-32 ऐसा कुछ देता था। सर्विसिंग के बाद 36-35 ऐसा देता है। तो मैंने जब माइलेज टेस्ट किया था इससे ज़्यादा आया था। हाँ इस बाइक का ही, लेकिन लेकिन लॉन्ग रूट में तो ज़्यादा देता है, 40 के ऊपर देता है लॉन्ग में। हाँ वो बोल रहा है सिटी में कि 36-37 ऐसा देता सिटी में। हाँ लेकिन मैंने जब इसका वीडियो बनाया था तब लॉन्ग में बनाया था, तो तब माइलेज आया था 42। तो आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका चैनल पे भी वीडियो है, मेरे चैनल पे भी वीडियो है, जाके देख सकते हो, दो अलग अलग वीडियो है, तो जरूर जाके देखना। वो सिटी में भी चलाया था थोड़ा बहुत, एंड मैं सिर्फ लॉन्ग में ही चलाया हूँ। फास्ट सर्विसिंग होने के बाद कुछ प्रॉब्लम है बाइक में? नहीं, फास्ट सर्विसिंग से होने के बाद ये बाइक और भी स्मूथ हो चुका है। अच्छा, प्रॉब्लम कुछ भी? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया इस बाइक के ऊपर। जो तूने NS200 खरीदा, ये क्यों खरीदा? और भी तो बाइक है ना, तो NS200 ही क्यों खरीदा? NS200 क्यों खरीदा? इसके एक रीज़न है, मेरा बजट 2 लाख के नीचे था, ये एक रीज़न है। और एक रीज़न है क्योंकि इसमें जो पावर है वो दूसरे बाइक में नहीं है। क्योंकि इसमें तो फीचर्स नहीं है? फीचर्स नहीं है, थोड़ा बहुत जितना भी है वो चल जाएगा। डिजिटल मीटर नहीं है? नहीं नहीं। हेडलाइट LED नहीं है, इंडिकेटर भी LED? जितना भी है, जितना भी है 2 लाख के नीचे एकदम परफेक्ट परफेक्ट। रात में ये बाइक चलाया तूने? रात को चलाया। अच्छा, इसका हेडलाइट का पावर कैसा है, मतलब रात में दिक्कत देता है कोई? इसका हेडलाइट सब लोग तो बोलते हैं इसका हेडलाइट अच्छा नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे को जब रात को चलाया उतना दिक्कत नहीं आया। अच्छा, क्योंकि तू अभी तक दूसरा बाइक नहीं चलाया किसी कारण से, क्योंकि दूसरा बाइक के हेडलाइट का पावर और भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास भी है, आप तुझे पता ही है। हाँ। तो इसी कारण के लिए मुझे, मैं समझता हूँ कि इसका पावर, मैं तो सोच रहा हूँ जितना भी पावर है काम चल जाता है, काम नहीं, खराब नहीं है, लेकिन जब बारिश होगा ना तब दिक्कत देगा। तो इस बाइक में फीचर्स क्या क्या है? इस बाइक में फीचर्स दूसरे बाइक के मामले में उतना फीचर्स नहीं है, लेकिन अभी तो इसमें अपडेट के बाद गियर इंडिकेटर पोजीशन दे दिया, गियर इंडिकेटर और डिस्टेंस टू MT ये दे दिया, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये सब स्लीपर क्लास प्लस ये सब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो काम चल जाएगा। उसके बाद USD फोक्स दे दिया अपडेट के बाद। फीचर्स तो ये सब ही है, ग्राफिक्स थोड़ा सा चेंजेस किया। आप लोग फीचर्स के मामले में अगर फीचर्स लेना है तो TVS पे जाओ। नहीं नहीं, MT R15 ये सब में MT का बजट ज़्यादा है ना, इसी कारण TVS बोला मैंने। TVS का इसका प्राइस सेम है। हाँ, तो उसमें आपको ये USD फोक्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है, एंड डुअल चैनल ABS तो मिलेगा। तो पहले जो BS6 का NS था उसमें डुअल चैनल ABS नहीं था, एंड उसका जो ब्रेक था वो बायब्रेक का ब्रेक था, ये ग्रीमी का ब्रेक दिया है, एंड ये देखो डुअल चैनल ABS अभी फिलहाल आ चुका है। तो यही है फीचर्स, और कुछ भी ज़्यादा फीचर्स नहीं है, फीचर्स कम है, पावर ज़्यादा है इस बाइक में। तुझे इस बाइक में क्या क्या चीज़ पसंद है? इस बाइक में पहला जो पसंद है इस बाइक का ये है लुक। अच्छा। तो नेकेड में इसका जो उल पाला लुक आता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसका जो यूज्ड फोक्स दे दिया, इसके बाद एक मस्कुलर लुक आता है, ये भी बल्के बल्के लुक आता है, ये अच्छा लगता है। एंड इसका कलर? कलर तो ब्लैक कलर है, तो फेवरेट कलर है, ब्लैक एंड रेड। हाँ, इस बाइक में क्या क्या कम लगता है तुझे, मतलब क्या चीज होने से और भी ज्यादा अच्छा होता? इस बाइक में कमी जो है इसका LED हेडलाइट, LED हेडलाइट और इंडिकेटर दे देता तो अच्छा होता। हाँ। और इसका जो कमी है पीछे का टायर 140 चाहिए था। हाँ, 140 मिनिमम 140 तो दे देते हैं, क्योंकि 160 में भी 130 है। हाँ, अभी तो 160 में भी 130 का टायर आ जाता है। सेम हो गया। अगर सामने सामने दो बाइक को डाल दोगे आप लोग बोल नहीं सेम लगेगा, सेम सेम कौन सा टू स्टिकर चेंज सब कुछ सेम है, सब कुछ, सिर्फ एक सिर्फ जो मीटर है, मीटर में ये देखो ब्लू लाइट जलता है, उसमें रेड लाइट जलता है, में ब्लू लाइट जलता है, एंड जो 160 का मीटर है उसमें ऑरेंज कलर का लाइट जलता है। दो बाइक अगर आसपास रख दूंगा तो आप लोग पहचान नहीं सकते हो कि कौन सा NS160 एंड कौन सा NS200 है। तो सब लोग तो बोलते हैं बजाज कंपनी खराब है, ठीक है, इसमें इंजन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो तूने क्यों ये बाइक लिया एंड बजाज पे क्या भरोसा है? तो बजाज के इंडियन बाइक है, पहले तो बोल देता हूँ इंडियन ब्रांड है, तो प्रॉब्लम तो उसके चलाने के हिसाब से होता है। तो आप जिस तरह मेंटेन करोगे, इस जैसे मेंटेन करोगे ऐसे रहेगा बाइक, ठीक से सर्विसिंग, ठीक टाइम पे सर्विसिंग करोगे तो बाइक अच्छा रहेगा। एंड अगर दूसरा कंपनी का भी बाइक ले तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि दूसरा कंपनी भी खराब है, दूसरा कंपनी का भी बाइक खराब होता है एंड बजाज का भी खराब होता है, ये नहीं कि खराब नहीं होता है। किसी को ये बाइक खरीदना चाहिए या फिर, मतलब मेरा जो व्यूवर्स है वो जो लोग देख रहे हैं
वो अगर खरीदना चाहता है ये बाइक तो तू क्या बोलेगा, खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए? जिसको रॉ पावर पसंद है और फीचर से कोई मतलब नहीं, फीचर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पावर चाहिए, पावर चाहिए एकदम रॉ पावर, तो वो लोग ये बाइक ले सकते हो। और जिसको फीचर्स चाहिए ज्यादा, कम चाहिए, माइलेज ज्यादा चाहिए, तो वो लोग TVS Apache 4 भी ले सकते हो, वो भी सेम प्राइस में ही आता है, सेम प्राइस में आता है। और दूसरा बाइक भी है MT15 भी है, MT15 है लेकिन वो 2 लाख के ऊपर चला जाएगा, लेकिन MT15 है, ड्यूक फीचर्स चाहिए तो 2 लाख के ऊपर तो जाना पड़ेगा ना, ड्यूक 200 है लेकिन वो 155 है, वो भी देखना है, ये 200 का है। सो गाइस यही था आज का वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड ये जो मेरा फ्रेंड है इसका चैनल का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर देना, एंड जो माइलेज टेस्ट का वीडियो है इस बाइक के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है तो जरूर जाके देखना एंड कमेंट करना कि कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।